प्रखंड की सिमरी पंचायत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक छात्रा की पिटाई मामले के आरोपों की जांच शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने सोमवार को विद्यालय पहुंचकर किया। माधोपुर के अभिभावक वैद्यनाथ मिश्र ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन सौंपकर कहा था कि कस्तूरबा में अध्ययनरत उनकी नतनी के साथ वार्डन व शिक्षिका ने 16 अगस्त को अभद्र व्यवहार व मारपीट की थी। मामले को लेकर डीपीओ नवीन ठाकुर, कार्यक्रम पदाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कृतिका वर्मा व केजीवीबी के जिला समन्वयक नीरज कुमार ने सोमवार को जांच पड़ताल की है। बच्ची व अभिभावक से आवेदन के आलोक में सभी बिंदुओं पर पूछताछ कर वीडियो रिकॉर्डिंग की। निदेशक कृतिका वर्मा ने बच्ची विद्यालय की शिक्षिका व छात्राओं के समक्ष अलग अलग घटनाक्रम की जानकारी ली। विद्यालय की संचिकाओं का भी अवलोकन कर बच्चों के आगमन व प्रस्थान पंजी का अवलोकन कर साक्ष्य के रूप में छायाप्रति अधिकारी अपने साथ ले गए। बता दें कि छात्रा के अभिभावक ने डीपीओ व सिमरी थाना में इस आशय का आवेदन सौंप कर विद्यालय की वार्डन बुड्डी रानी व शिक्षिका रीना कुमारी पर बच्ची को पीटने का आरोप लगाया था। तबीयत खराब रहने के बावजूद छात्रा को विद्यालय के खेल मैदान में बाल खींच कर पिटाई के साथ शौचालय साफ कराने व रोटी बनवाने का आरोप लगाया था। इधर मामले की जांच करने के बाद मीडिया को डीपीओ नवीन ठाकुर ने बताया कि आवेदन में अभिभावक के आरोपों की सभी बिंदुओं की जांच 3 सदस्यीय टीम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर की है। स्कूल में पठन पाठन कर रही छात्राओं ने पिटाई की घटना से इनकार किया है। विद्यालय की शिक्षिकाओं व रसोईया का बयान दर्ज किया गया है। विद्यालय में हाउस कीपिंग की व्यवस्था के बीच बच्चों का भोजन रसोईया के माध्यम से बनाया जाता है। वार्डन गुड्डी रानी ने बताया कि विद्यालय में 3 शिक्षिका व 100 छात्राओं का नामांकन है। बीमार पड़ने पर छात्राओं का उपचार CHC के डॉक्टर से कराया जाता है। बताया कि इस प्रकरण में चाइल्ड लाइन के मनोहर झा के द्वारा 5,000 रुपए कमीशन व मोदी केयर का सामान लेने का दबाव बनाया गया। मेरे द्वारा कहा गया कि बिना विभागीय अनुमति के मोदी केयर का सामान नहीं ले सकते हैं, जिसके कारण आक्रोश में मनगढ़ंत आरोप लगाकर विद्यालय को बदनाम करने की साजिश है। जांच के दौरान HM अनिल पाठक, प्रभारी HM चंदेश्वर महतो व रात्रि प्रहरी अनोज कुमार सहित अन्य मौजूद थे। जी सर, आज कस्तूरबा में आप आए, क्या यहाँ पर जांच में पाया गया अभी तक, क्या कहेंगे? एक गार्जियन के कंप्लेंट पर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हम लोग को भेजे, हम लोग आए, बच्ची से जांच पूछताछ किए कि क्या क्या दिक्कत हो रही है और हम लोग जाँच कर लिए हैं, रिपोर्ट अवसर को जाकर देंगे। प्रथम दृष्टिया सर क्या पाए? प्रथम दृष्टिया बच्ची कोई उतना बातें नहीं बोली हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जो खामी होगा उसको दूर किया जाए। हमने बच्चों से बातचीत हुई है पिटाई के संबंध में? पिटाई के बारे में बच्ची सब नहीं कह रही है। कोई बच्ची नहीं। मैडम, क्या पूरा मामला है? आज जांच टीम भी आई थी जिला से, क्या कहें? जांच टीम से आए लेकिन बच्चे सब से पूछताछ किए, हमसे पूछ किए कि वो आदमी कौन है, बोले 4 लाइन वाले हैं, हम लोग सब कोई लेना देना नहीं है। मनोहर झा, क्या हुआ था, वो कैसे आए थे, क्या पूरा मामला है? कुछ हम लोग कुछ जानकारी नहीं हुई, बच्चे सब मैंने घटना का उनका नाना का दोस्त थे, वो 4 लाइन वाले बच्चे यहाँ से पढ़ के गई, 17 तारीख को गई, मेरे यहाँ संभाग प्रभारी आए निरीक्षण में, उन लोग यहाँ नहीं कुछ बोले। फिर 22 तारीख का जब मामला आया साथ में, तो हम लोग से पूछा गया, नगेंद्र जी पूछे कि क्या हुआ भैया, बोले कुछ नहीं हुआ, और स्टाफ से पूछे गए तो बोले कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग को जानकारी नहीं है तो कैसे बता सकते हैं? इतने में 4 लाइन वीडियो वायरल वायरल कर दिए, 4 लाइन बोले कि 11 अप्रैल को हम लोग गए थे, उनको बुलाए थे, कस्तूरबा दिवस बच्चे लोग को विदा भी किए थे, उनको मेन नमू पति थी, मैं हम लोग बुलाए थे, NGO के रीजन में से वो आ रहे थे, बोले कि हमको 5,000 रुपया दीजिए, हम लोग पेपर में छापते हैं, तो हम बोले जो मनोहर हम लोग के पास पैसा है, ये बच्चे को खिला रहे हैं तो पैसा क्यों देंगे? उसके बाद फिर बोले मैडम का पैसा कमीशन मैंने मांग रहे थे, और बोले कि मोदी केयर के सामान लीजिए, तो बोले कस्तूरबा में मोदी केयर के सामान नहीं चलेगा, ऊपर से हम लोग का ऑर्डर नहीं है, इसी तरह तरह के हम लोग का वीडियो बना वायरल कर रहे हैं। क्या लग रहा है पैसा न देने के कारण? पैसा नहीं देने के कारण ये सब करना है।